प्लीज चेक द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं आंबा कलियो। ये भी एक रांधेर की स्वीट डिश है, ये शादियों में वहाँ दावतों में होती है। मेरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया हुआ है एक कच्ची कैरी, ये मैं 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। ये मीडियम टू लार्ज साइज़ की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है मगर ये मीडियम साइज़ की है। इसको मैंने साबुत रखा हुआ है, मैं अभी इसको कट कर लूँगी। इसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 कप जितना पानी, 1/3 कप शुगर, मैंने थोड़ा सा लिया हुआ था तकरीबन पिंच ऑफ शेफ्रॉन, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जितना पानी डाल दिया तो ये कलर हो गया। अगर आपके पास शेफ्रॉन नहीं है आप एसेंस भी डाल सकते हैं या तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैं ये डाल रही हूँ। थोड़े से कैशू, जितने आपको चाहिए उतने, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून जितना कटा हुआ पिस्ताचो, आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं नहीं डाल रही। गरम मसालों में इसमें जाएगा एक छोटा सा बे लीफ, तेज़पत्ता, छोटी सी स्टार एनीस, 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी छोटी वाली, 1/2 टीस्पून जितना साबुत ज़ीरा और 2 इलायची। मैंने मैंगो को कट कर लिया, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी बर्तन में और इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। और ये हमारा गरम मसाला, इसको मैं बॉईल होने दूँगी जब तक कि ये मैंगो गल जाएंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा पानी कम लगे आप थोड़ा सा पानी मिला दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, हम बाद में भी इसको ड्राई कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मैंगो हमारे डन हो चुकी है, ये देखिए वैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि मैंगो डन हो चुकी है मगर आप फिर भी इसमें छुरी लगा के देख सकते हैं ये मैंगो हो गई है। अब हम इसमें से हमारे सारे मैंगोज निकाल लेंगे। ये वाला पानी हमने फेंकना नहीं है, इसमें मैंगो का फ्लेवर है। अब हम इसी में डाल देंगे शुगर और इसको हम पका लेंगे। पहले शुगर डालने के बाद साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक, इसको हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है पहले। और इस रेसिपी में मैंगो खट्टी या मीठी ज़रूरी नहीं है मगर आप इसको टेस्ट कर ले एक बार जब आप इसको छीलेंगे तब, ताकि आपको शुगर डालने में इजी रहे। मैंने ये ली हुई थी मैंगो थोड़ी सी माइल्ड वाली, बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं थी, वो वाली ली थी मैंने। तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद मुझे लग रहा है कि ये शीरा सही हो गया है क्योंकि इसमें शुगर मेल्ट हो गई। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें से निकाल लूँगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा जो ज़ाफ़रान वाला था पानी, वो कैश्यू। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बॉईल दे देंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बॉईल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी ये जो हमने कैरी निकाली हुई थी ये, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने थोड़ी स्लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट पका लेना है ताकि मैंगो में अच्छे से ये शुगर और सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। आप इसको इसी तरह से पाइनएप्पल में भी बना सकते हैं, पाइनएप्पल का मीठा भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया है रेडी, अब मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूंगी और थोड़ी देर इसी तरह से इसको दम में दे दूंगी ताकि स्टिल सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए। 2 मिनट बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये रेडी हमारा आंबा कलियो, ये वहाँ शादियों में नान के साथ, बेकरी के नान के साथ सर्व किया जाता है। मैं इसको बन के साथ सर्व कर रही हूँ, आप रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।